संगम नगरी प्रयागराज की मऊ आईमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जहां मऊ आईमा पुलिस ने बीते दिनों गुमशुदा बच्चे की हत्या मामले में पड़ोस में रहने वाले बच्चा लाल मसूर को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद एसपी गंगापार ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया। बच्चा लाल मसूर और मृतक बच्ची के परिजनों से किसकी बात पर विवाद हुआ था, जिसको लेकर बच्चा लाल नशे में बच्ची की हत्या कर दी। क्लास में बच्चा लाल का नाम सामने आया। जब पुलिस ने हिरासत में लेकर शक्ति से पूछताछ करे तो घटना के बाद बच्चा लाल ने कबूली। वहीं पुलिस अब बच्चा लाल को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही कर रही है। अभिषेक अग्रवाल, एसपी गंगापार, शकील खान की रिपोर्ट। ये ग्राम बेनुपुर थाना मऊ आईमा की घटना है। दिनांक 30/11/2021 को पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की घर से खेलने के बहाने चली गई है। इस पर तत्काल वादे की तहरीर पर 363 का मुकदमा कायम किया गया था। दिनांक 5/12/2021 को उसी लड़की का शव झाड़ियों के पास मिला था। इस पर तत्काल पुलिस द्वारा घटना का निरीक्षण स्थल किया गया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए और आज उसी घटना का खुलासा हो रहा है। नामजद अभियुक्त बच्चा लाल ने घटना को कबूला और उसने यह बताया कि रोज़ रोज़ के आपस में उनके विवाद होते थे, इसीलिए नशे की हालत में उसने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी गई है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।